सोलन में पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों के लिए प्रयासरत रहने वाली सामाजिक संस्था रोटरी मिड टाउन क्लब एवं इनर व्हील क्लब का अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता पास्ट डिस्क चेयरमैन संगीता त्रेहन ने की। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। क्लब के सदस्यों द्वारा क्लब पिन लगाकर मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल को भी क्लब का सदस्य बनाया गया। वहीं जितेंद्र भल्ला व सविता भल्ला को कॉलर पहनाकर आगामी वर्ष के लिए अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उपेंद्र कॉल ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और क्लब द्वारा करवाई जा रही गतिविधियों के बारे में सबको अवगत करवाया। इस अवसर पर कार्यक्रम में साल भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि रोटरी क्लब का विभिन्न समाज सेवा के कार्यों में अहम योगदान रहा है, जो कि सेवा के कार्य हैं, जिसके लिए क्लब के सभी सदस्य तन मन धन से मिलजुल कर योगदान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में पोलियो रोग को समाप्त करने में रोटरी ने अहम भूमिका निभाई है। ये सर्वविदित तथ्य है कि रोटरी की सेवा को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के अभूतपूर्व योगदान जो है वो हमारे इस देश में और प्रदेश में रहा है। और हम सब जानते हैं कि विविध कार्यों को और जिससे आमजन लाभान्वित होता है, ऐसे कार्यों को रोटरी ने अपने हाथ में लिया है। और ये सब सेवा के कार्य हैं, और ये कार्य ये शिक्षा से संबंधित हैं, ये कार्य जो रोग उन्मूलन है। और हम सब जानते हैं कि रोटरी का बहुत बड़ा योगदान पोलियो उन्मूलन को लेकर के रहा है। और हमारे सोलन नगर में भी बेहतरीन ढंग से जो हमारे यहाँ के रोटरी क्लब से जुड़े हुए जो सम्माननीय लोग हैं, उनके माध्यम से बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर नगर में भी चलाई जा रही हैं। और मैं उनको इस अवसर के ऊपर रोटरी से जुड़े हुए समस्त इसके सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।